हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है। परमानेंट पोस्ट गवर्नमेंट टीचर सरकारी विद्यालयों में शिक्षक भर्ती 4100 से ज़्यादा परमानेंट पोस्ट है। सैलरी पे स्केल ऑफर हो रही है गवर्नमेंट की और सब्जेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। फटाफट कवर करते हैं बाकी की सभी डिटेल्स। बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है। 8 जून है, 8 जून को ये नोटिफिकेशन लेट इवनिंग में रिलीज़ ही हुई है और बिल्कुल वेबसाइट क्रैश कर गई है। तो मेरे पास जो थोड़ी आधी एडवर्टीजमेंट है उसे मैं आप डिटेल्स कवर कर देती हूँ, फिर इसके लिए 2-3 वीडियोस और मैं अपलोड करने वाली हूँ मॉर्निंग में। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की तिथि 9 जून से एप्लीकेशन शुरू हो रही है और इसके बाद लास्ट डेट रहेगी 3 जुलाई तक। सब्जेक्ट्स की डिटेल और पोस्ट की डिटेल्स हम चेक करते हैं और कहाँ से नोटिस रिलीज हुई हैं। सबसे पहले पीजीटी की पोस्ट है जिसमें कि हिंदी में लिखा है, मैं इंग्लिश में भी इसे कन्वर्ट करके मैंने आपको बताया कि लेट इवनिंग में अभी रिलीज हुई है और इतने सारे कैंडिडेट सर्वर पर जा रहे हैं, मीन्स वेबसाइट पे, कि वेबसाइट क्रैश हो गई है तो वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। मैं इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके फिर आपको वीडियो फ्रेश मॉर्निंग में बना कर दूंगी। तो नागरिक शास्त्र ये पीजीटी के लिए, फिर टीजीटी के लिए भी है। नागरिक शास्त्र, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, गणित, नंबर ऑफ पोस्ट लास्ट में लिखे हुए हैं और ये बालक वर्ग के लिए है, मीन्स जो बॉयज स्कूल है या बॉयज कॉलेज है। जीव विज्ञान, भूगोल, गणित, इंग्लिश, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, हिंदी, कृषि, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, संस्कृत, कला, वाणिज्य, ये इतने पोस्ट हैं 549 बालक वर्ग में। इसी तरीके से सेम सब्जेक्ट्स हैं बालिका वर्ग में, मीन्स गर्ल्स कॉलेज या गर्ल्स स्कूल में। इसके बाद प्रशिक्षित स्नातक, मीन्स ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए भी काफ़ी पोस्ट है। इंग्लिश में 511, हिंदी में 509, गणित में 508 और सामाजिक विज्ञान में 337 पोस्ट, संस्कृत में 264 पोस्ट, फिजिकल एजुकेशन 157, विज्ञान में 499, गृह विज्ञान में 139 पोस्ट, कला में 132, संगीत में 7 पोस्ट है, कृषि में 47, जीव विज्ञान में 49, उर्दू में 12 एंड संगीत वादन में 4। तो ये बालक वर्ग के लिए और बालिका वर्ग के लिए भी काफ़ी वैकेंसीज हैं। तो ये इतनी सारी वैकेंसीज हैं, टोटल अगर आप इन सबको सम टोटल करेंगे तो 4000 के ऊपर वैकेंसीज आ रही हैं। ये वैकेंसीज कहाँ से रिलीज़ की गई हैं? उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज। अगर आपको याद होगा तो मैंने लास्ट मीन्स मे मंथ में एक वीडियो बनाई थी कि उत्तर प्रदेश से पीजीटी एंड टीजीटी की बिल्कुल रिलीज़ होने जा रही हैं एडवर्टीजमेंट और रिलीज़ हो गई हैं। तो ये इस तरीके से एडवर्टीजमेंट आपको नज़र आएंगी। अब इसमें जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट है www.upsessb.org पर जारी हो चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही हो रही है, एप्लीकेशन कल से शुरू हो जाएगी 9 जून से और एडवर्टीजमेंट अपलोड कर दी गई है पढ़ने के लिए। डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जब आप चेक करने वेबसाइट पर जा रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि बहुत कैंडिडेट एक साथ लॉगिन होकर चेक कर रहे हैं इसलिए क्रैश हो जा रही है वेबसाइट, लेकिन मैं एडवर्टीजमेंट जैसे ही वो वेबसाइट काम करना शुरू करती है डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करती हूँ। इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, फीस क्या रहेगी, कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, पीजीटी के लिए क्या मास्टर डिग्री काफ़ी है या बीएड की ज़रूरत होगी, ये सारे पॉइंट्स। बाहर के कैंडिडेट, स्टेट के कैंडिडेट लास्ट टाइम यूपी में अप्लाई कर पाए थे, इस बार भी उन्होंने दी है ये रिलैक्सेशन कि बाहर के स्टेट के कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी में आकर एप्लीकेशन कर सकते हैं या नहीं। सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जामिनेशन स्कीम वगैरह सारी चीज़ें, एग्जाम डेट, सारी चीज़ मैं डिटेल में कल आपको 2-3 वीडियोस में, अलग अलग वीडियोस में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगी। फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुँच पाई है तो वो मैंने आपके पास पहुँचाई कि टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए कुल मिला के 3500 के अराउंड पोस्ट हैं और पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 500 के ऊपर पोस्ट्स हैं। सब्जेक्ट मैंने आपको दिखा दिए, बाकी की डिटेल्स के लिए प्लीज़ मेरे वीडियोज़ का वेट करें नेक्स्ट डे के लिए। आप सबको बेस्ट विशेज़, थैंक यू वेरी मच।